शहर में पुलिस की नाक के नीचे छुपते छुपाते एमडी ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। तहसील पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर जाल बिछाकर पुलिस ने विमल कुमार सिद्ध प्रसाद को रंगे हाथ एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा, जिसके पास से 72 ग्राम एमडी ड्रग्स समेत 8,11,000 का माल जब्त कर लिया गया। पूछताछ करने पर दानिश शेख नामक व्यक्ति से उसने यह माल बेचने के लिए दिया है, ऐसी जानकारी आरोपी ने दी। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। तहसील पुलिस स्टेशन के डीबी स्क्वाड को पेट्रोलिंग के वक्त एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि दादरा पुल में जो भानखेड़ा एरिया है वहां पे एक आरोपी विमल कुमार सिद्धू प्रसाद यह एमडी पाउडर बेचने आने वाला है। तो उसकी मालूमात हमने हमारे सीनियर ऑफिसर को दी और उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। उसमें संशयित इसम विमल कुमार सिद्धू प्रसाद ये जब दादरा पुल आया तो उसको टैप करके हमने कस्टडी में लिया और गैजेटेड ऑफिसर थ्रू उसकी अंग झड़ती लेने पे उसकी कस्टडी में 72 ग्राम एमडी पाउडर मिली, एक मोबाइल और 1300 रुपये कैश। वो वहाँ पे जो एमडी पाउडर है वो बेचने आया था, तो उसने उसको कस्टडी में लेके वो पाउडर उसने कहाँ से लाई इसकी इन्वेस्टिगेशन करने पर उसने बोला कि दानिश शेख रहना नवीन नगर पार्डी, इसने उसको माल दिया है कमीशन बेसिस पे बेचने के लिए। वो जो माल है वो सीजिंग कार्रवाई हुई और आगे तहसील पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 187/2024 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत एफआईआर रजिस्टर हुई है। उसमें आरोपी अरेस्ट हुआ है, दूसरे आरोपी की सर्च चालू है। इस कार्रवाई में 7,20,000 का 72 ग्राम एमडी पाउडर है, एक एक्सिस गाड़ी, एक मोबाइल और 1300 रुपये कैश, ऐसे टोटल 8,11,300 रुपये का मुद्देमाल पुलिस स्टेशन ने सीज किया है। पास कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसका पीसीआर सैंक्शन करके आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। इसमें जो वाहन जब्त हुआ है वो एक्सिस गाड़ी है ग्रीन कलर की और उसका नंबर है MH31FY0726। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।